हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आगरा, और आज हम बात करेंगे COVID-19 के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि COVID-19 की जो फर्स्ट वेव आई थी और सेकंड वेव में कुछ डिफरेंसेस हैं। ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से हुए, तो कई बार RT-PCR पे डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो फर्स्ट स्ट्रेन थी वो अधिकतर माइल्ड थी, अब जो है सीवियर इन्फेक्शन जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, निमोनिया ज़्यादा हो रहा है, लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है, ये यंग पेशेंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही है। 60% जो है यंग और बच्चे हैं इसमें, और 40% मोर देन 60 ईयर्स एज ग्रुप है। और जो पहली वेव थी वो अधिकतर कोमॉर्बिडिटीज जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज है, उनको अफेक्ट कर रही थी। लेकिन अब ये जो है ये यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स को 35 साल 40 साल के लोगों को इफेक्ट कर रही है, और 60 साल से कम लोगों को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ये तो हो गई पहली फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में डिफरेंस। इसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो बहुत जल्दी आपको कम ड्यूरेशन के एक्सपोजर पे ही हो जाएगा, और ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी अभी हो गया है। तो COVID-19 के जो अधिकतर पेशेंट्स माइल्ड डिजीज के फॉर्म में रहते हैं, जिनमें ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका 94% से ऊपर रहता है, तो उसमें सिर्फ आपको फीवर को कंट्रोल करना है, जिसके लिए आप पैरासीटामोल टैबलेट्स 650 mg TDS या QID 4 बार दिन में 6-6 घंटे में यूज़ कर सकते हैं। और इसको अगर आपका फिर भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ है तो आप निमोसिलाइड या मेफ्टल 4-मेथिलेमिक एसिड 250 mg ऐड कर सकते हैं। फीवर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, ये सब इतना कुछ रोल नहीं है, लेकिन ये दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो CME इंडिया की गाइडलाइंस है उनमें जिंक, डॉक्सी और एजिथ्राल का भी ज़्यादा रोल नहीं बताया गया है। लेकिन ये वायरल निमोनिया है या बाद में वायरल सेप्सिस भी होती है तो एंटीबायोटिक्स ऐड किए जा सकते हैं। जो है पेशेंट को अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन पे ध्यान रखना है। कभी भी अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम होता है तो जो 90 से 94% है उसको हम मॉर्बिड डिजीज़ कह सकते हैं। उसके साथ ही ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना है, उसके साथ ही सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर लेस देन 5 नॉर्मल है, 5 से 50 तक बढ़े हुए हैं। इसके अलावा आपका पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है, सांसें जो है 25 से 30 तक चल रही हैं, लेकिन आप 25 तक ही मानिए, और फीवर है पेशेंट को, तो ये सब मॉडरेट की कैटेगरी में आ सकता है। तो इसी समय COVID-19 जो है आपका सेकेंड वीक में, यानी कि साइटोकाइन स्टॉर्म में जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, और उसके साथ ही जैसे कि उसको न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो मोर देन 3.5 है, मतलब इसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, लेकिन अगर लिम्फोसाइट्स नॉर्मली 20-40% होते हैं, ब्लड का जब डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट किया जाता है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा कम है और न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, या ईसनोफिल जीरो है, जीरो ईसनोफिलिक सिंड्रोम, तो ये रेड फ्लैग सिंड्रोम हो सकता है, या ठीक है। तो इसलिए पेशेंट का TLC काउंट कराना बहुत ज़रूरी है। TLC नॉर्मली 4000 से 11000 नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वायरल सेप्सिस में तो थोड़ा बढ़ेगा ही, लेकिन कभी कभी सुपर इम्पोज बैक्टीरियल सेप्सिस बिकॉज पेशेंट प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल में रहा है या सबसे हो सकती है। तो अब बात करते हैं स्टेरॉइड्स कब स्टार्ट करने की। तो स्टेरॉइड जो है कॉन्ट्रेंट आपको माइल्ड डिजीज़ में कभी स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि शुरुआत में जो डिजीज वायरस होता है रेप्लिकेटिंग होता है, तो जब वायरलिया का फेज़ है, हाई फीवर का फेज़ है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है, तो हमें स्टेरॉइड स्टार्ट नहीं करने हैं। वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ले जाएगा बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें, लेकिन स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग है, लेकिन वो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में है। जब पेशेंट का सैचुरेशन गिरने लगता है, उसकी सांस टैकेपनिया हो रहा है, सांस फूल रही है, उसको बैठने में उठने में दिक्कत हो रही है, वो चल फिर नहीं सकता है, है ना, 25 से ज़्यादा उसकी रेस्पिरेटरी रेट हो रही है और फीवर है, तो आप डेक्सामेथासोन 6 mg पर डे एडवाइज है, और इसके सिवा फिर आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी ले सकते हैं 40 mg से 120 mg डिवाइडेड डोजेस में, या 1 mg/kg बॉडी वेट या बॉडी। अगर पेशेंट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके साथ कुछ मार्कर्स जैसे कि इंटरल्यूकिन 6
हालांकि नॉन स्पेसिफिक मार्कर है इंटरलीविन 6, इसके साथ फेरिटिन या LDH है ना, LDH 300 से ज़्यादा, फेरिटिन 500 से ज़्यादा है मॉडरेट डिजीज का इंडिकेटर है, और फेरिटिन अगर 800 से ज़्यादा है तो वो सीवियर डिजीज़ है। इसी तरह LDH 600 से ज़्यादा वो सीवियर डिजीज़ का इंडिकेटर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन 50 से ज़्यादा वो सीवियर डिजीज़ का इंडिकेटर है। तो मॉडरेट डिजीज़ में आप उसको स्टेरॉयड स्टार्ट करने हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन। लेकिन अगर सैचुरेशन मेंटेन करना है, माइल्ड डिजीज़ है, सिर्फ फीवर है, थोड़ी बहुत खांसी है, सैचुरेशन 92% से ऊपर है, तो स्टेरॉयड बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिए, है ना। अगर हमारे पास कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स बहुत कम है या जीरो इंसुलिनोफिलिक सिंड्रोम है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत मार्केट लीडेज है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट जो है साइटोकाइन स्टॉर्म में जा रहा है। रेमडेसिविर जितनी जल्दी आप दे सको उतना अच्छा है। रेमडेसिविर अगर फिलिंग जैसे ही पेशेंट आपको मॉडरेट डिजीज में जाने का लगता है तब आप दीजिए, माइल्ड डिजीज में रेमडेसिविर का भी कोई रोल नहीं है, है ना। इसके साथ ही टॉसिलिज़ुमैब है वो दी जा रही है, वो लेकिन ओवर द काउंटर हर एक को नहीं देनी है, जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है उनको ही देनी है ना। अभी COVID-19 इज इन नेसेंट स्टेज, इसके बारे में रिसर्च अभी चल रही है, और फिर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देखनी है कि पेशेंट की कितनी है, उसका सीटी स्कैन कराना है। अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो जो नेजल कैनुला है वो 6-7 लीटर ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर फिर भी पेशेंट का हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन SpO2 रिफर कर रहा है, SpO2 भी पेशेंट की कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, है ना। आप एसिड बेस ABG भी करा सकते हैं, एसिड बेस एनालिसिस पेशेंट की। और फिर भी अगर पेशेंट का नेजल कैनुला से ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं मेंटेन हो रहा है तो हम वेंटिली मास्क लगा सकते हैं। अगर फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम हाई फ्लो नेजल कैनुला पेशेंट को दे सकते हैं, वो और भी ज़्यादा ऑक्सीजन आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म में देगा। अगर फिर भी पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, सैचुरेशन से ज़्यादा हमें पेशेंट को क्लिनिकली देखना है कि उसकी सांस तो नहीं खुल रही है, एक्सेसरी मसल्स अब यूज़ तो नहीं कर रहा है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पे पेशेंट डिस्ट्रेस में तो नहीं है, एक्सेसरी मसल्स यहाँ की गले की है ना, सांस खुलना कितना, डिस्निया है कितना, टैकेपनिया है, रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, ये सब देख के सिर्फ सैचुरेशन पर आपको नहीं जाना, क्योंकि कुछ COPD के पेशेंट्स हैं या क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनका सैचुरेशन कम रहेगा क्योंकि उनके लंग्स ऑलरेडी फाइब्रोज हैं, ठीक है। तो इसके अलावा माइल्ड डिजीज़ में आइवरमेक्टिन भी दिया जाता है, आप दे सकते हैं, मेरे जो हार्म, और कभी कभी साइटोकॉन स्टॉर्म में प्रिवेंट करने के लिए स्टेरॉइड्स भी बहुत हाई डोज में दिए जा सकते हैं। इवन मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है 1000 mg तक भी दिया गया है, फिर उसको लेकिन आप 3-4 दिन तक दीजिए, फिर आप उसको वैसे तो स्टेरॉइड्स को आपको जल्दी से टेपर ही करना है, ठीक है। पेशेंट को हमें बेसिकली उसके सी रिएक्टिव प्रोटीन और TLC और क्लिनिकली उसे असेस करना है कि पेशेंट कंफर्टेबल है कि नहीं है, है ना। अगर फिर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं होता है, ऑक्सीजन एक्सेसरी मसल यूज़ कर रहा है, वो रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, पेशेंट डिस्निक है, तो आप बाईपैप या सीपैप पे ले सकते हो पेशेंट को, लेकिन बाईपैप सीपैप पे पेशेंट को आपको वो करना बहुत जरूरी है, सिडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाईपैप काफ़ी इरिटेटिंग होता है, ठीक है। अगर फिर भी कहीं किसी तरह आपकी फैसिलिटी नहीं बनी है तो आप फोन कर सकते हो पेशेंट को, ऑक्सीजन की कमी है तो फोन में, लेकिन ये है कि खाने पीने का ड्यूरेशन हो, पेशेंट ब्लैडर यूरिन पास करके आ गया हो, उसके बाद आप उसे फोन ले डाली जितनी देर वो कम्फर्टेबल हो, और वेंचुरी मास्क के साथ आप उसे ले सकता है, नेजल प्रॉम कई बार मास्क में दिक्कत होती है, तो नेजल प्रॉम के साथ आप उसे उल्टा ले डालीजिए, कितनी देर उल्टा लिख सकता है, 16-20 घंटे तक बताया गया है, लेकिन जितनी देर 3-4 घंटे लेटे उसके बाद फिर साइड में कवर कर ले, फिर 3-4 घंटे फोन लेटे, तो इस तरह हम पेशेंट की ऑक्सीजन उसको कर सकते हैं। और जैसे ही पेशेंट हमारा ठीक होने लग जाए, सैचुरेशन मेंटेन करने लग जाए, फीवर और सेप्सिस के साइंस नहीं हैं, तो और फिर पेशेंट को हम धीरे धीरे चला सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस एडवाइस करेंगे, उसके मेरा एक वीडियो है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, स्पाइरोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टेज में, बलून फुलाना, अगर जैसे ही आपको कोविड डायग्नोज हुआ है आप थोड़ा सा रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, बलून फुलाना, पर्स लिप ब्रीथिंग, फूंक मारना, डीप ब्रीथ करके, ब्रेथ होल्ड करके, और फिर वो करना, एक्सहेल करना, मोनो
ये सब आप कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में भी दी जा रही है, अभी सारी जो इसकी रिसर्च स्टेज पे है। कोविड 19 के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ है, और सीवियर डिजीज़ में तो आपको पेशेंट को जल्दी से आपको पेशेंट को हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि बाईपैक पे है नॉन इन्वेजिव इंटीलेशन, उसे कब वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सो टेक केयर, थैंक यू।